कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। मैं समझता था कि उस चिंतन शिविर से कुछ देश की समस्याओं के बारे में कांग्रेस का क्या विचार है, देश को आगे कहाँ जाना है, कोई उनका रोड मैप है या नहीं, इस सब बारे में तो कोई महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही नहीं। लेकिन शिंदे साहब ने एक बात ज़रूर कही जो मुझे आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए चिंतन शिविर की क्या ज़रूरत थी। ऐसे वाक्य तो वो चलते फिरते कहते ही रहते हैं, मगर उन्होंने चिंतन शिविर को इसका एक स्थान चुना। उसका अर्थ ये था कि वो कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी कि चिंतन के समय जब गंभीर बातें होंगी उसके साथ इसको जोड़ के कहा जाए। शिंदे जी ने 20 जनवरी को सैफरन टेररिज्म की बात कही और उन्होंने कहा उसमें कि आरएसएस बीजेपी के कैंप्स ये टेररिज्म की शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके इस कथन का, इस स्टेटमेंट का फ़ायदा तुरंत उन शक्तियों ने उठाया जो भारत पर आतंकी हमले करते रहते हैं। 21 तारीख को ही, जनवरी की, दो लोगों ने, एक तो JUD के जमायतुल दावा के चीफ श्री हाफिज सईद और दूसरे जो कमांडर थे हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हुजी, उसके कमांडर थे इलियास कश्मीरी, इन दोनों लोगों ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया, इसको रिकॉग्नाइज किया और स्टेटमेंट दिए। सईद ने 21 तारीख को डिमांड किया कि आरएसएस और VHP पर बैन लगाया जाए और भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आतंकी देश घोषित किया जाए जो अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को फैलाता है, ट्रेन करता है। अब शिंदे साहब महाराष्ट्र के निवासी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सैफरन इस देश की कितनी महत्वपूर्ण प्रतिमा को उजागर करता है। ये भगवा रंग या सैफरन कलर हमारे यहाँ सेल्फलेसनेस और सर्विस, इन दो का प्रतीक है। विवेकानंद की ड्रेस जिसको आज आप, जिनका 150वां वर्ष मना रहे हैं, तो वो तो सैफरन थी। आप काय को मना रहे हैं फिर? क्या विवेकानंद टेररिस्ट थे? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर सबसे पहले सैफरन कलर है, क्या ये टेररिज्म का कलर है? क्या जहाँ ये झंडा देश में जाता है या 15 अगस्त 26 जनवरी को जब हम उसे बहुत बड़े पैमाने पर फहराते हैं तो क्या वो टेररिज्म फहराते हैं? और क्या जब इस झंडे की शपथ इस देश का सैनिक और सिपाही लेता है तो क्या वो टेररिज्म की रक्षा के लिए लेता है या देश की रक्षा के लिए लेता है? शिंदे साहब तो गृह मंत्री हैं, उन्हें इस बात का संज्ञान होना चाहिए था, मगर मुझे अफसोस है उन्होंने इस तरह की कोई बात, कोई चीज़ ध्यान में नहीं रखी। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सोची समझी उनकी रणनीति थी कि जो उनके शासन की विफलताएं हैं उससे लोगों का ध्यान आकृष्ट न हो उसकी तरफ, उससे ध्यान विचलित हो, डाइवर्ट हो अटेंशन, तो उन्होंने एक ये बात छोड़ दी और डिबेट को उन्होंने एक सैफरन आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इसकी तरफ मोड़ने की कोशिश की, मगर नतीजे इसके बहुत ख़राब हैं। एक तो ये है कि झंडा या भगवा रंग हमारे देश की
एक आइडेंटिटी है, हमारी अस्मिता है, हम उसकी रक्षा करते हैं। आपने उसको टेररिज्म के साथ जोड़ा, पूरे देश को आपने टेररिज्म के साथ जोड़ दिया, क्योंकि वो भगवा झंडा या ट्राई कलर तो सारे देशवासियों का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, हर एक का झंडा है वो। तो आपने सारे देश की तौहीन की, बेइज्जती की, यू हैव इंसल्टेड द एंटायर नेशन एंड द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दिस नेशन। ये हमारी कल्चर का एक निचोड़ है। शायद शिंदे साहब को ये मालूम नहीं कि कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी कि हिंदुस्तान के, और ख़ास तौर पर उस समय कांग्रेस के झंडे का रंग क्या हो। कमेटी में नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे। कमेटी की यूनानिमस सिफारिश थी कि इस देश का झंडा भगवा होना चाहिए, वन कलर होना चाहिए। तो क्या वो सब टेररिस्ट थे? वर दे प्रोपेगेटिंग एंड सपोर्टिंग टेररिज्म? ये सैफरन टेररिज्म क्या बला है? ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये देश को तोड़ने की साजिश है। हम इसको टोटली न केवल कंडेम करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और शिंदे साहब को और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मैं एक दूसरी बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब शिंदे साहब ये कह रहे थे और सैफरन टेररिज्म इस देश में है और बीजेपी और वीएचपी और आरएसएस ये उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस वक्त उनकी जानकारी में द रेजोल्यूशन ऑफ द कमिटी ऑन सैंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जून 2009, वो था या नहीं था? पब्लिक डोमेन में है ये। सो ये जो रेजोल्यूशन है, कमेटी ऑन सैंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन जून 2009, एंड द पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन जुलाई 2009, दिस एस्टैब्लिश दैट आरिफ कस्मानी, द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ एलईटी लश्कर ए तैयबा, हैड फंडेड द समझौता ब्लास्ट विद द कायदा प्रोवाइडिंग द स्टाफ फॉर द ब्लास्ट। ये रेजोल्यूशन में है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट दैट पाकिस्तान्स इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक हैज सेड इन जनवरी 2010 दैट पाकिस्तानी टेररिस्ट वेर हायर्ड फॉर द ब्लास्ट। ये भी रिकॉर्ड पर है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट दैट द कन्फेशन ऑफ फैजा आउटल्हा, द थर्ड वाइफ ऑफ डेविड कोलमैन हेडले, इन 2008, द स्टेटमेंट वॉज मेड पब्लिक इन 2010 दैट हेडले वॉज इन्वॉल्व इन द समझौता ब्लास्ट एंड शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व दो इनोसेंटली। एंड ऑल्सो द सेम रेजोल्यूशन कंटिन्यूज टू से the simi leader's testimony under narco effect in 2007 made public in 2008 that they had provided support for the pakistanis involved in the attack. Now all this information is available in public domain, pointing and admitting to the involvement of Pakistan and Karachi based businessman Arif Qasmani, Lashkar-e-Taiba and Al-Qaeda, David Coleman Headley and his third wife, as assisted by Simi from Indore, but suppressed in the investigation by NIA. Ab NIA ki kahani to kuch aur hi hai. NIA ne is sab ke baad kahani ghadi hai. Ye kya baat hai? Ye iski puri jaanch honi chahiye. Sarkar ko is par saaf batana chahiye. Agar ye jankari unke paas thi ya nahi thi. अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सारी दुनिया के पास है, उनके पास क्यों नहीं थी? और अगर थी तो इसको छिपा के उन्होंने फिर एक नई कहानी क्यों बनाई और आज तक उसमें क्या किया? हमेशा उसको एक लटकाए रखते हैं कि ये ट्रेनिंग हो रही है, और फिर उसके बाद गृह मंत्री के गृह सचिव कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं। क्या सबूत हैं? कि ये कुछ लोगों के खिलाफ जाँच हो रही है। तो जाँच हो रही है तो अभी सबूत तो नहीं है ना। अगर आपके पास जांच में कोई सबूत आए हैं तो पेश कीजिए, और
दंडित कीजिए उनको, कोई ये नहीं कहेगा कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या विध्वंसक एक्टिविटीज़ में शामिल हैं उनको कानून के तहत नहीं लाना चाहिए या कानून की प्रक्रिया उन पर नहीं होनी चाहिए. लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स देन. वो तो आप कर नहीं रहे. यह सवाल है इसलिए कि भाई ये आपका खेल क्या है, क्यों कर रहे हैं आप ये खेल? क्या वोट बैंक के लिए, क्या तुष्टीकरण के लिए, क्या ये दिखाने के लिए कि नहीं 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 आतंकवादी हिंदू भी है और बड़ा ज़बरदस्त है? तो आप सारी कम्युनिटी को, सारे देश को, इसके प्रतीक झंडे को, सैफरन कलर को भी अपमानित कर रहे हैं. इस हद तक आप जा रहे हैं. दूसरी तरफ अभी कोर्ट ने एक रिमार्क दिया, वो क्या प्रज्ञा ठाकुर की एप्लीकेशन पे, कि सरकार बताए क्या उसे ज़िंदा रखना चाहती है या मरने देना चाहती है. उसको आप, अगर उसने कुछ अपराध किया है तो उसको मुकदमा चलाइए, सज़ा दीजिए, कौन मना करता है. लेकिन आप ह्यूमन राइट्स की भी चिंता नहीं करते, कल्चरल राइट्स की भी चिंता नहीं करते. वो कहती है कि साहब मुझे, मेरा ये मानवीय अधिकार है कि मेरा इलाज हो, आप इलाज की इजाज़त नहीं देते. मैं सन्यासी हूँ, मेरा ये कल्चरल राइट है कि मैं अपने सन्यास धर्म के मुताबिक पूजा पाठ कर सकूँ, आप उसके लिए भी बाधाएँ डालते हैं. तो एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग इस यूएन काउंसिल के रेजोल्यूशन से जो अपराधी सिद्ध हो रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा देश का कि इस तरह की गलत नीतियों से देश में विभाजन पैदा होता है, देश में अलगाव पैदा होता है और सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है. और इसकी पूरी जिम्मेदारी इस समय तो गृह मंत्री श्री शिंदे जी और उनकी पार्टी पर है. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सारी विफलताएं हैं उसकी तरफ ध्यान ना जाए लोग. जिस तरह से सरकार आर्थिक क्षेत्र में विफल हुई है, जिस तरह से सरकार देश में सुरक्षा और शांति के मामले में विफल हुई है, सीमाओं के मामले में विफल हुई है, उसको देखते हुए लगता है कि वो इन सब से ध्यान हटाने के लिए इस तरफ ले जाना चाहती है. मैं अभी लखनऊ गया था, वहाँ मुझे बताया गया कि एक कोई रिटायर्ड जज हैं और कोई रिटायर्ड पुलिस के अफसर हैं, वो कुछ हस्ताक्षर करवा रहे हैं कि अयोध्या में जो भूमि विवादित है उसके एक हिस्से में कोई स्तंभ बना दिया जाए. कैसे हो सकता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, रामलला का मंदिर वहाँ विद्यमान है. अब ये नया क्यों लाया जा रहा है, ये क्यों उठाया जा रहा है ये सवाल? फिर वही, ताकि ध्यान इधर से विफलता से हटके उधर चला जाए और लोगों का ध्यान वास्तविक जो सरकार की विफलता है उससे हटके दूसरी तरफ चला जाए. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत देश के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं. हम इन सारी प्रवृत्तियों का तीव्र विरोध करते हैं. हम ये चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियाँ, उनके गलत काम, ये बराबर जनता के सामने लाए जाएं और हम लाते रहेंगे. और ये जो उसकी सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति है इसका भी हम घोर विरोध करेंगे और संसद में ये सवाल उठेगा. हम ये नहीं चाहते कि संसद की कार्रवाई ध्वस्त हुआ करे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वो लोग जो इस तरह के बयान देते हैं वो क्या संसद में उनको आने दिया जाए या उनकी बातें सुनी जाएं या उनको बोलने दिया जाए? ये सवाल आज प्रमुख है. पार्टी इस पर बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ सारा देश भी इस पर गंभीर होगा, क्योंकि ये देश के सामान्य प्रश्नों का ही मामला नहीं है बल्कि ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की आइडेंटिटी का सवाल है, देश की यूनिटी का सवाल है, देश की इंटीग्रिटी का सवाल है. इसके बारे में जो मैंने अभी बोला है ये शायद आपको मिल भी जाएगा, उसके डिटेल्स और भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. नहीं, देखिए मानने वाले तो वो लोग नहीं हैं लेकिन ये ज़रूर है कि देश को ये पता लगना चाहिए कि ऐसे लोग अगर संसद में आएंगे तो उनका तीव्र विरोध होगा,
उनकी बात की, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या करें, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. ओके, वी विल ट्राई टू टेक हार्ट, सम हार्ट फ्रॉम यू एंड मेक इट फुल हार्टेड. जी आपका. That is one of the proposals which we are seriously thinking. It could lead to other things also. But the responsibility of making parliament peaceful and smooth lies solely on the ruling party, UPA. They should take care that nothing untoward is uttered, said by their respectable ministers. Pehle Chidambaram sahab yahi baat kehte the, ab aap Shinde sahab yahi baat keh rahe hain, kabhi wo Digvijay Singh ji yahi kehte the. There must be an end to it. ये बात खत्म होनी चाहिए. मनोज वर्मा जी. हाँ, हम नहीं छोड़ रहे. हमने तो कहा ना कि उसके बाद आपने शायद, मैं कहा था कि NIA जो कुछ कर रहा है अब वो सब इस रेजोल्यूशन के लाइट में बिल्कुल व्यर्थ है, गलत है. वो तो कोशिश यही कर रहे हैं, मैंने ये कहा है बार बार, कि किसी तरह से फंसाया जाए. नहीं फंस रहे हैं लोग. अब उसने जो प्रज्ञा का पत्र अखबारों में आया है, उसमें कहती है उसको कितनी प्रताड़ना दी गई है, कितना उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है. अब उसकी जाँच होनी चाहिए. क्या इफेक्ट है कस्टडी में आप इस तरह से कर सकते हैं? और अगर आप लोगों को इस तरह से घूस दे के किसी को फंसाना चाहते हैं, तो फिर इसका अर्थ है कि जो शिंदे साहब ने कहा था, ये उसी की लाइन में कॉन्स्पिरेसी आगे चल रही. दैट प्रूव्स द कॉन्स्पिरेसी. आप कहा जोशी जी, कल एसजी ने इस्तीफा दे दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कानून मंत्री से उनका कोई विवाद चला था, इसके बाद उन्होंने दिया. देखिए, अब ये कानून मंत्री में और देश के मुख्य अधिवक्ता में अगर मतभेद है, तो कोई भी स्वाभिमानी मुख्य अभिवक्ता हट जाएगा वहाँ से. अब ये तो सरकार से हम पूछेंगे संसद में कि बताइए ये क्या हुआ, ये तो उन्हें बताना पड़ेगा. और वैसे तो नारीमान को खुद बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा बिंदु था जिसके ऊपर उनका तीव्र मतभेद हुआ और वो हट गए वहाँ से. मगर ये आप देखें ना, ये शायद दूसरा या तीसरा केस है जबकि ये एसजी हटा है. मिस्टर मुरली. हाँ. किस वाहिनी ने? दुर्गा वाहिनी. दुर्गा. अच्छा, तो इस मामले में आपका क्या? देखिए, मैं संविधान की जो मर्यादाएं हैं उनके अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक को मिलने चाहिए. देयर इज ऑलवेज ए क्लॉज इन दैट, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी. उसके अंतर्गत वो सारी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मिलने चाहिए. लेकिन राइट टू एक्सप्रेशन की एक मर्यादा ये होती है कि ये समाज को विक्षुब्ध न करे. अभी आप देख रहे हैं छोटी सी बात पे कितनी डिबेट हो गई है, कहीं बड़ी बड़ी बातों पे डिबेट हो जाती है. डिबेट अच्छी चीज़ है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, बोलने की इजाज़त होनी चाहिए. मगर बोलना हम एक जब संवाद करते हैं तो संपर्क के लिए करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, तोड़ने के लिए नहीं करते. देखिए, किसी को ये, अब आप देखें 200 साल बाद पैंट पहनने की इजाज़त आज फ्रांस में मिली है. तो ये कुछ जगह की, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि भाई ऐसा महिलाओं को नहीं करना चाहिए. उस मानसिकता को बदलवाने की ज़रूरत है. मैं, मेरे निगाह में ये बात गलत है, लेकिन एक एक समूह है, एक वर्ग है जिस जो उसको सही समझता है. तो इसके लिए झगड़े टंटे की क्या ज़रूरत है? बातचीत से, समाज के अंदर मानसिकता को बदलने से बदलाव आ सकते हैं. देश में आ रहे हैं बदलाव, तो जहाँ अभी बदलाव नहीं आए हैं वहाँ आने की ज़रूरत है, वो आएंगे. मजूमदार जी, लास्ट. Yeah.
are going to disband and supporting us, all of those bands in Kashmir right now are going to disband. The protest hai na unka. They have a right to protest also. But that's right, but you see, the pressure is always not desirable. बहुत सी जगह आप प्रेशर डालते हैं, एक सीमा तक ठीक होता है, लेकिन एक देर इज़ ए चेंज एंड देर वॉज ए बैंड, चल रहा था, अब आपने चलते चलते उसको बंद कर दिया. दिस इज़ अगेन ए पॉलिटिक्स ऑफ वोट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि हम आपसे ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं. तो रेस फॉर बींग मोर एक्सट्रीमिस्ट, ये तो अच्छी बात नहीं है. मजुमदार जी पीछे, हाँ कमलेश जी एक मिनट आते हैं आपके पास. दे इस पर तो मॉडेलिटी जो भी होगी वो सदन शुरू होने से पहले पता लग जाएगी आपको. नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मना नहीं किया है. उन्होंने यही कहा है कि जो मसले पार्टी में निश्चित नहीं हुए हैं उनके बारे में और जिस पर राय कायम नहीं हुई है उसके बारे में न बोलें, और वो तो पार्टी का डिसिप्लिन है. आप पार्टी के सदस्य हैं, यू आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स. मंगेश जी, नहीं नहीं वो देखिए उनको वो तो मालूम कर लेंगे, इट इज़ पार्टी के अध्यक्ष और बाकी लोग. ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई जिससे देश भर में हंगामा होने की गुंजाइश हो. ये तो रोज़ होता रहता है. देखिए अभी तो मुझे पता नहीं कि वो धर्म संसद में क्या पास होगा क्या पास नहीं होगा. जब होगा तो फिर पार्टी विचार करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. मंगेश जी आपका सवाल. हाँ उस पर ही यार, वो क्या कह रहे हैं पहले उनकी बात तो सुने. हमारा तो हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा हुआ है, वही कहना. मंगेश जी नहीं नहीं वो तो हम तो आप ही की मदद से उसको रोक देंगे, इसमें और हमें ज़रूरत नहीं है. थोड़ी सी मदद आप कर देंगे वो भाग खड़े होंगे. राघवन जी आपका सवाल. हाँ देखिए क्या मसला है, क्या चार्जेस हैं, उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है, ये धीरे धीरे खुलता है. लेकिन सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है, आगे भी कर सकती है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है. आपका सवाल. हाँ क्या कह रहे हैं. अब भाई देखो ये तो केरल की सरकार और उनके बीच का मामला है, और वो उन्होंने जांच पहले बंद कर दी थी, अब दोबारा नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा जो प्रतिपक्ष है उसके सामने कानूनी रास्ते खुले हुए हैं. देखें को क्या सवाल. जोशी जी लेट मी. देखिए इन सब मामलों में आप किसी की बात पे यकीन मत कीजिए. कांग्रेस जो कहती है वो भी मत मानिए, और अगर कोई मुलायम सिंह जी कहते हैं वो भी मत मानिए. आप अपने दिमाग से काम कीजिए इस मामले में. जोशी जी सब कुछ हो सकता है राजनीति में, चुनाव भी हो सकते हैं, जल्दी भी हो सकते हैं, समय पे भी हो सकते हैं, और पता नहीं क्या हालात हो जाएं. एक बार होते होते हम लोग जेल चले गए थे, ये भी हो सकता है. क्या पता लगता है. जोशी जी लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन. लीडर्स लाइक और राजगोपाल हैव सेड दैट
PJ Kurian should resign. Is center leadership agree with him? I can't comment on anybody who is saying something about somebody. Is this it? I have told it ki it is a matter between the that government and Mr. Kurian. But there are serious allegations that... Maybe so they are fighting it. No, sir. There are serious allegations that... Maybe the allegations are very serious. It is an individual allegation against an individual. Last me, So interested hai ki us pe kuch na kuch mukadma zarur chale. Rabat ji, unko mic do piche. Inka, ye ek hi kisa hai ki Kurian. Ek ho gaya bas. Joshi ji, your state leadership is demanding for stepping down of Mr. PJ Kurian. Do you have any reluctance because Mr. Arun Jaitley has appeared for the PJ Kurian in the Supreme Court? Your central leadership has any reluctance to comment on this issue? No, I have not reluctance on it. But I am saying that this is a matter between an individual and others. Now, if the court decides against him, he will go face the consequences. Now, just wait. And if people are dissatisfied with the decision of the Kerala government, they can go to the court. I'm not obstructing them. And if their application is accepted, he will have to resign. But then, but the question is, who decides whether these allegations are correct or not? Me or you? I am not saying anything. If the allegations are there and the court accepts their petition, Mr. Kurian will have to take the proper action about it. He might have to resign. But simply because the Kerala government has refused an inquiry, a fresh inquiry, is not sufficient enough. Those people have a right to question the right of the Kerala government and demand for a fresh inquiry. Issue to yahi hai na? They are demanding a fresh inquiry. An inquiry has been closed earlier. That inquiry, if it has been closed wrongly, then it should be started again. And as the sooner the inquiry takes place, the earlier the inquiry takes place, the consequences will follow. Thank you.